ज़ाहिर है कि जी पहले जो क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में जो कशीदगी थी, हिंदुस्तान ने उसके फ़ायदा उठाया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान अफगानिस्तान से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसमें इंडिया के लिए स्पेस उतनी नहीं रही। इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमने जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी की है कि कोई नहीं, वो सिर्फ हमको नहीं अप्लाई करती, उसकी उसका तकाजा है कि तमाम रीजनल कंट्रीज वही पॉलिसी इख्तियार करें ताकि वहां पे प्रॉक्सी वार ना हो। और ये बात कौन मजबूर करेगा? हाँ, अब एशिया में और बाकी जगहों में नहीं, ये एक अफगानिस्तान मजबूर करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का ये हाँ। ये इंटरेस्ट है। सर, इंडिया ने जब इतनी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने तो नहीं की ना, इंडिया ने की हुई है, तो कैसे ही बिल्कुल सीधा जाके अफगानी निकाल देंगे बाहर उनको? ये बात नहीं, माल लेकर यहाँ से। हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सी वार की और फिलिंग द पावर वैक्यूम, डेवलपमेंट में और ट्रेड में सब कम्पीट करें, वो सबकी जरूरत है, तो उसमें हम कोई नहीं मानते कि इंडिया मजीद वहां काम क्यों ना करे। जो बुनियादी बात है वो ये है कि अफगानिस्तान के मसाइल जो हैं वो अफगानिस्तान खुद हल करे, और वो अब चूंकि अशरफ गनी साहब का जो विजन है बहुत क्लियर है रीजनल कनेक्टिविटी का भी और रीजनल उसका भी, तो अभी हार्ट ऑफ एशिया में जो बीजिंग में हुई थी इस्तांबुल प्रोसेस 31 अक्टूबर को, उसमें ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया कि तमाम ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ें कि अपने मसाइल खुद हल करें और कोई वहां पे प्रॉक्सी वार्स न करें, तो वो एक इंटरनेशनल कंसेंसस बन गया। ठीक है, और ये बहुत अहम कंसेंसस है। तीसरी बात ये है इसमें कि अफगानिस्तान के बारे में अगर आप 1.5 साल पहले 2013 में कोई प्रिडिक्शन करते, ज्यादातर पेशगोइयां थी कि वहां हालात मजीद खराब, ब्रेक डाउन हो जाएगा और न इकोनॉमिक ट्रांजिशन ठीक होगा, न सिक्योरिटी ट्रांजिशन ठीक होगा, न पॉलिटिकल ट्रांजिशन थी। उसको दुनिया ने उस दुनिया को उन्होंने एक तरह का हैरान कर दिया ये सारी चीज़ें ठीक करके, और इलेक्शन नारा के मुश्किलात थी वो करके नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजिशन हुआ, कोई बहुत बड़ा ब्लो बैक नहीं हुआ, और अब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल डेकेड 2015 से 2024 तक का ऐलान किया और उनका विजन बहुत इस मामले में क्लियर है। तो जब अफगानिस्तान को और दुनिया के बाहर लोग माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे बशमूल अमेरिका के, और वो अपनी खुद तो वो अपनी तरजीहात खुद डिटरमिन करेंगे, और उस तरजीहात में अब तक जो हमने उनके साथ अरेंजमेंट किए हैं वो बहुत ही मैं समझता हूँ डिपेंडेबल मैकेनिज्म्स हैं, कि जिसमें बॉर्डर लेवल पर, उसके बाद हायर मिलिट्री लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, और फिर पॉलिटिकल लेवल पे वो जो हमारे इंटरेक्शन है, आप देखें कि पिछले 3 महीने में 3 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब की अशरफ गनी से मुलाकात। ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं इस हद तक है कि वहां की अगर इंस्टेबिलिटी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, तो हमारे यहाँ भी अमन नहीं आ सकता। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी पिछले दिनों फजाद अजीज साहब, और मुझे समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल मीडिया पे या दीगर मीडिया पे इस बात को नेगेटिवली क्यों लिया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अमेरिका का दुश्मन है वो जरूरी नहीं हमारा दुश्मन, और हम दुश्मन क्यों पैदा क्यों करें, हम बनाएं क्यों, मतलब इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोग खतरनाक है हमारे लिए, कुछ लोग नहीं है, ये बात भी ठीक है। जो खतरनाक नहीं है उनको हम प्रोवोक खुद से क्यों करें? इसमें कई ऐसे ग्रुप्स, बैंड ग्रुप्स आते हैं जिन्होंने यहाँ पे जिसे कह लें हम स्ट्रेटेजी के लिए ऐसा हो गया कि उन्होंने पनाह ले ली यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है जो ग्रुप हमारे लिए खतरनाक नहीं थे सरदार अजीज साहब, वो इस्तेमाल हुए फिर उनके लिए, वो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हुए वो ग्रुप्स। लेकिन जी हमारी मौजूदा पॉलिसी बड़ी क्लियर है ना कि हम तमाम किसी गुड और बैड तालिबान में तफरीक नहीं करते, तमाम टेररिस्ट के खिलाफ है, लेकिन एक्शन लेना हमारी कैपेसिटी और जरूरत पर डिपेंड करता है कि किस खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। तो जो तो हमें थ्रेटन कर रहे हैं उन खिलाफ ले रहे हैं, लेकिन दूसरों में भी जो हमारी पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। तो इसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमने नई पॉलिसी इख्तियार की है खासतौर पर 16 दिसंबर के वाकये के बाद, वो बहुत अहम है क्योंकि उसको पूरा पॉलिटिकल कंसेंसस हासिल है मुल्क के अंदर, और दूसरा सिविल और मिलिट्री एक पेज पर है उसको ठीक करने में। तो ये इतना बड़ा कदम है जिसका पूरे खित्ते पे असर होगा, और अगर इस वक्त और अफगानिस्तान ने भी आपने देखा कि 16 दिसंबर के बाद जब हमें पता चला कि कुछ उधर से लिंक था उसका, तो उन्होंने अपने यहां कार्रवाई शुरू की, और अब उन्होंने कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन, एक है ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें दोनों की ट्रुप दूसरी तरफ जाती हैं, हमने ये नहीं कहा हमारी ट्रुप अपने यहां ऑपरेट करेंगी, उनकी ट्रुप अपने यहां करेंगी, लेकिन जिस तरह हमारे यहां आप खैबर में अगर ऑपरेशन हो रहा है और वहां से इनकर्शन आ रही हैं,
तो हम उन्हें कह सकते हैं कि देखें आपके यहां से आ रही है, आप इनको रोकें। तो वो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये मानेंगे आप पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था क्योंकि वहां भी चूंकि आईएसएफ की जिम्मेदारी थी और उनका अनफॉर्चुनेटली जो एक्टिविटी थी ऑन दी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वो इतनी ज्यादा नहीं थी। ये सारे इलाके जो थे ये अनगवर्न थे और वहां पे जो सो कॉल्ड इंसर्जेंसी वो बहुत ज्यादा थी। अब अफगानिस्तान जो है वो इसको ठीक तरीके से डेवलप कर रहा है अपनी पॉलिसी को, और आप देखेंगे कि उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द बॉर्डर बेटर, ताकि यहां से कोई एक्टिविटी वहां ना हो, वहां से एक्टिविटी ना हो। और उसमें सिर्फ ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, वहां पर क्रिमिनल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, स्मगलर्स बहुत ज्यादा हैं, ड्रग स्मगलर्स।